हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी मीडियम टेक में। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की तरफ से आने वाला एक ब्लूटूथ हेडसेट। तो यहां पे हेडफोन को हम यहां पे अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलिए जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी बॉक्स को यहाँ पर खोलते हैं ताकि हम जो है हेडफोन को बाहर निकाल सकें। तो इसकी सीलिंग जो है हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ और इस तरफ से भी। तो यहाँ पे इसे खोलने के बाद यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किया गया है। अंदर जो है हमको एक और कार्डबोर्ड का जो है बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे इसे मैं निकालूँ तो यहाँ पे अंदर है ये, जो काफ़ी अच्छे से जो है पैक किया गया है। यहाँ पे ये टेपिंग भी की है, तो मैं इसे जो है यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेता हूँ इसे काट के। तो इस टेप को हटाने के बाद जो है हम इसे खोल लेंगे और यहाँ पे ये खुल चुका है। तो इसके ये रैप किया गया है इस तरह कुछ। और यहाँ पे आपको एक छोटे से जो है बॉक्स में आपको मिल जाएगा जिस पे लिखा है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई। तो यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है फ्लिपकार्ट का। और हम चलिए इसे जो है खोल लेते हैं। यहाँ पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर हम जो है इसे पहले इस सील को जो है यहाँ पर तो जो है कट कर लेंगे। तो इसे कट करने के बाद जो है हम इसे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसे कट कर लेता हूँ और ये ओपन किया हमने बॉक्स। और अंदर आप देख सकते हैं कि जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो पहले ये कुछ इस कवर में इस तरह पैक किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है और भी एक पैकेट है और यहाँ पे भी एक पाउच मिल जाता है आपको। और नीचे आपको जो है एक थैंक यू का कार्ड मिल जाता है छोटा सा फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो इसे मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। इस पर लिखा है थैंक यू और यहाँ पे नीचे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई जो है लिख दिया गया है। पीछे की तरफ आपको भी कुछ मैसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलता है। और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक जो है क्विक स्टार्ट गाइड आपको दी गई है। अगर आपको जो ये हेडफोन नहीं चलाना आता है तो इसमें आप जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा दूँ तो इसमें इस तरह का कुछ मैनुअल दिया गया है इस हेडफोन के बारे में, जो कि एक ब्लूटूथ हेडफोन है। और इसमें आपको माइक भी मिल जाता है, ये बिल्कुल भी वायरलेस है। यहाँ पे पाउचेस हम जो है चलिए खोलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एक पाउच छोटा वाला खोलता हूँ। तो इसमें कुछ जो है आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं इसे बाहर निकालूँ तो आपको जो है दिख जाएंगे। तो इन्हें जल्दी से मैं जो है बाहर निकाल लेता हूँ। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पैक किए गए हैं। इस पाउच का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो है आपको एक्स्ट्रा जो है बड्स दिए जाते हैं जिसमें आप अपने हेडफोन्स में जो है लगा सकते हैं। और यहाँ पे फिर बढ़ते हैं आगे तो इसे हम जो है खोलते हैं और इस कवर को भी खोल लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर पैक है। यहाँ पर आपको एक केबल मिल जाता है, USB केबल, USB टू माइक्रो USB केबल। तो यहाँ पे मैं आपको जूम फोकस करके दिखा देता हूँ इसकी जो है क्वालिटी। और यहाँ पे अब चलते हैं, मैं हमारा मेन डिवाइस शायद इसमें है तो इसे, क्योंकि ये जो है पाउच थोड़ा सा बड़ा है दूसरे पाउच के कंपैरिजन में, तो इसे मैं जो है सबसे पहले यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये स्टिक किया गया है तो ये बहुत ही टाइट जो है पैक है। तो यहाँ से हम जो है प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं और ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। ये है जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला एक वायरलेस हेडफोन जो कि ब्लूटूथ से चलता है। इसमें आपको माइक भी मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखा दूँ तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी सॉफ्ट है, आपके जो है कान में बहुत ही अच्छा फिक्स होगा ये जो है हेडफोन। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको मिले हैं ये चीज़ जो है आप यहाँ पे मटेरियल्स लगा सकते हैं अपने हेडफोन में, अगर आपका हेडफोन में जो दूसरे पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो। तो यहाँ पे इस हेडफोन को मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो एक लेफ्ट और राइट का ये मैग्नेट से भी चिपक जाते हैं, इसमें जो है मैग्नेट दिया गया है, दोनों का आप जो है एक साथ चिपका सकते हैं। और यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे सॉफ्ट भी है, ब्लैक कलर में आ जाता है ये। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बेस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का आपको लोगो मिलता है। यहाँ पे प्लस और माइनस बटन और जो है पावर ऑफ बटन मिल जाता है ऑफ़ और ऑन करने के लिए आपके हेडफोन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, चलिए हम जो है ऑन करके एक बार ट्राई करते हैं कि ये जो है खुलता है या नहीं। तो मैं इसे ऑन करता हूँ इस पावर ऑन ऑफ बटन पर दबा के। तो मैं यहाँ पे जैसे ही दबाता हूँ तो इसका कोई LED इंडिकेटर ज़रूर होगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये ब्लू और रेड में जो है ब्लिंक होने लगता है। और जैसे ही ये ब्लिंक होता है
तो आप जो है अपने दूसरे फ़ोन में इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है इसका नाम मिल जाएगा स्मार्ट बाई के कुछ नाम से, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में मिल जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसे ब्लूटूथ से जो है कनेक्ट करके। यहाँ पे जो है ब्लूटूथ मैंने ऑन कर देता हूँ पहले अपने फ़ोन में, तो यहाँ पे स्मार्ट बाई के नाम से यहाँ पे आ चुका है इस हेडफोन का नाम, तो यहाँ पे मॉडल नेम भी इसका लिखा गया है। तो चलिए इस पर मैं कनेक्ट करता हूँ और ये जो है कनेक्ट हो चुका है। चलिए हम चलते हैं म्यूज़िक में और करते हैं प्ले किसी म्यूज़िक को जो है टेस्ट करने के लिए ये जो है काम करता है कि नहीं। तो जो है मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे मिल जाता है ये म्यूज़िक, काफ़ी अच्छा जो है म्यूज़िक भी इसमें आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बेस आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा इस हेडफोन में। यहाँ पे ये करेंटली प्ले हो रहा है हेडफोन में, तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हेडफोन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ख़रीद सकते हैं अगर आप इस प्राइस रेंज में देख रहे हैं। तो मैंने प्राइस नीचे आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, वहाँ से आप जो है ख़रीद भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।